तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो यार पिछले दो वीडियोस थे, आपने देखा कि हम लोग आए हुए यूएसडी के शोरूम पे, मतलब जावा जोधपुर के शोरूम पे। जोधपुर में जावा का ओनली एक शोरूम है, तो यहाँ पे अपने पास तीनों बाइक्स अवेलेबल है जो यूएसडी में लॉन्च करी है। तो यूएसडी एडवेंचर एंड यूएसडी रोडस्टर का रिव्यू तो आपने देख लिया, वैसे ही अभी अपन लोग करने वाले इनकी थर्ड सीरीज यूएसडी स्क्रैम्बलर। तो चलते हैं अपने बाइक पे, वैसे ही अपन बात करते हैं, उसका ओवरव्यू देते हैं आपको, उसके टेक्निकल स्पेक्स बता दें और उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने यूएसडी में डाली और बाइक का लुक कैसा। तो अपन चलते हैं अभी बाइक पे। तो गाइस यूएसडी सीरीज की जो अपनी थर्ड एंड लास्ट बाइक है वो है यूएसडी स्क्रैम्बलर। मतलब इसका यार लुक देखो ना एक बार, जो रेड कलर में क्या प्यारी लग रही है भाई। अब अपन बैठते हैं इस पे, मिरर वगैरह है वो आपको नॉर्मल मिरर मिलेंगे, जैसा आपको रोडस्टर में दिखाया था यहाँ पे नहीं लगे हुए, इसमें नॉर्मल आपको हैंडल बार पे मिलेंगे। एंड यहाँ पे एक और चीज़, हैंडल बार पे आपको मिलेगा एक स्टेबिलिटी, जिससे आपका क्या वाइब्रेशन वगैरह बहुत कम होता। तो ये रोड आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आप कुछ मॉडिफिकेशन के बटन वगैरह ऐड करवा सकते हैं, जो मेरे को खासकर बहुत पसंद है। तो इसको करते हैं ऑन, और इसका जो कंसोल है वो भी फुली डिजिटल है, जिसमें भी आपको नॉर्मल गियर इंडिकेटर एंड मतलब वो सारी चीज़ें, साइड स्टैंड का इंडिकेटर वगैरह वो सब मिल जाएगा। एंड ABS जो है इसमें आपको स्विचेबल मिलेगा, आप जो है यहाँ से, आपको अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ से आप अपने मोड्स चेंज कर सकते हो, ऑफ रोड, ऑन रोड, हाईवे, सिटी, वो सारे मोड्स आप चेंज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका ABS वर्क करना स्टार्ट कर दे। अब अगर बात करें इसके हॉर्न की, तो हॉर्न के ऊपर आपको बता दें बहुत ज़्यादा लाउड है भाई, बहुत लाउड है, मतलब शुरू में सिर्फ हमारा हॉर्न ही सुनाई दे रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था कि एडवेंचर में उन्होंने चार्जर ऐड करा था, बट रोडस्टर में नहीं है, यही सेम चार्जर उन्होंने ऐड करा है यहाँ पे स्क्रैम्बलर में। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक USB एक C टाइप चार्जर, इसके जो इंडिकेटर है वो सेम टू सेम वही है जो आपको एडवेंचर में, प्लस हेडलाइट भी वही मिलने वाली, हजार लाइट का स्विच भी उन्होंने दिया है इसका। करते हैं अपन बाइक को ऑन और आपको सुनाते हैं एग्जॉस्ट नोट एंड ये जो LED लाइट है इसकी क्या परफॉर्मेंस है। और इंजन काफ़ी कॉम्पैक्ट है, मतलब कहीं पे आपको कुछ भी गैप नहीं मिलेगा। और इसका जो चेसिस है, मतलब यूएसडी के तीनों बाइक में उन्होंने डुअल कर्ड चेसिस यूज करा है, जैसे आप हिमालयन वगैरह की बात करोगे तो उसमें एक सिंगल चेसिस आता है जो पूरे इंजन को आपको रखता है, बट इन बाइक्स में आपको डुअल रॉड्स मिलेगी जो आपके इंजन को रखती है, मतलब पूरा जो चेसिस है वो डुअल कर्ड है। अब देख लेते हैं अपन इसके कुछ टेक्निकल स्पेक्स। तो इसमें जो है वो 334 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन आपको मिल जाएगा, एंड इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 200 mm। अब इसकी जो सीट हाइट है वो है 800 mm, एंड इसका जो कर्व वेट है वो है 182 kg। मतलब लगने में तो यार बहुत हल्की सी लग रही है, लिटरली बहुत छोटी बाइक लग रही है, बट इन्होंने वेट कहाँ पे डाला वो है इंजन में डाला, बहुत ही कॉम्पैक्ट करा हुआ इंजन। एंड इसका जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो है 12.5 liter। बाकी अगर गियर बॉक्स की बात करें तो इसमें भी 6 gears आपको मिल जाएंगे। एंड इसकी जो पावर है वो है 28.7 bhp, एंड इसका जो टॉर्क है वो है 28.2 nm। अब अगर अपन बात करें फ्रंट टायर की, तो इसका जो फ्रंट टायर है वो है 100x90 18 inch, एंड जो रियर टायर है वो है 140x70 17 inch, मतलब पीछे का टायर इन्होंने चौड़ा करा है काफ़ी। 17 इंच की रिम है, तीनों बाइक्स में वही रिम है। एंड अगर डिस्क की बात करें तो वही रोडस्टर की तरह इसमें आपको 320 mm की फ्रंट डिस्क एंड 240 mm की रियर डिस्क मिल जाएगी। पता है इसमें ड्यूअल साइलेंसर है, तो मतलब पीछे से आपको प्रॉपर कॉन्टिनेंटल वाली फील दे रही है, जो रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल जीती आती है। तो ये अपने USD की स्क्रैम्बलर, इसके बारे में मैंने जो भी चीज़ें बतानी है, मतलब जरूरत थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आपको पता आपको वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पे हो नए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसा बहुत सारा कंटेंट अभी और आना बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।